नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में भाजपा कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को सुबह 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। विधायक शर्मा ने बताया कि किसानों की बेहाली, टिड्डियों के हो रहे हमले, पेट्रोल व डीजल की बढ़ी हुई कीमत, बिजली की दरों में हुई अनावश्यक बढ़ोतरी, युवाओं की बेहाली, कोरोना कुप्रबंधन, बढ़ते अपराध व अन्य मसलों को लेकर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। क्षेत्र के सांसद, जिलाध्यक्ष, महामंत्री, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी, आईटी से जुड़े हुए संयोजक व मीडिया से जुड़े हुए संयोजक ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। ज्ञापन देते समय कोरोना गाइडलाइन की पालन भी की जाएगी। आज की प्रेस के मुख्य जो बिंदु है, वो मुख्य बिंदु इस बात के ऊपर कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है और सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि वो जनता को गुमराह करने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले सरकार ने कहा कि हमारे पास 3,000 के लगभग ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हैं, उनमें से सिर्फ 900 ही काम में आ रहे हैं। फिर सरकार ने कहा कि हमारे पास लगभग 1,000 आईसीयू के बेड हैं, उनमें सिर्फ 300 ही काम में आ रहे हैं। फिर कहा कि हमारे पास लगभग 500 वेंटिलेटर हैं, अभी उसमें 250 वेंटिलेटर का उपयोग में आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता और धरातल के ऊपर इसकी विपरीत स्थिति है। आज हालात प्रदेश के ये बन चुके हैं कि राजस्थान के अंदर सरकारी चिकित्सालय की तो बात ही छोड़ो, निजी चिकित्सालयों के अंदर भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जयपुर के अंदर जो कोविड सेंटर के रूप में जो है, और सरकार अब से 3 महीने पहले अगर कोविड का पेशेंट आता था किसी मोहल्ले में या किसी कस्बे के अंदर, तो उसकी एरिया के अंदर कर्फ्यू लगाने का काम करती थी, बैरिकेड लगाने का काम करती थी, उस पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज करने का काम करती थी, उसके वहाँ सुरक्षा का जाप्ता लगाया जाता था। लेकिन आज हालात पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार के बने हुए हैं कि सरकार के इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं है। कई जगह ये देखने को मिला है कि कोविड पेशेंट आने के उपरांत भी 3-3, 4-4 दिन तक उनके परिवारों की जांच की रिपोर्ट नहीं आती, और जब जांच रिपोर्ट आती है कि पूरा परिवार ही संक्रमित था, तब तक अनेकों लोगों को संक्रमित करने का काम करते हैं। आज प्रदेश का जिस तरीके से कोरोना का विस्फोट के ऊपर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, सरकार के तमाम दावे वाहवाही लूटने वाले दावे, सिर्फ खुद का प्रचारित करने के काम कोविड सेंटर बनाया गया और उसकी वाहवाही सरकार लूट रही है, और उसके जो तथ्य सामने आ रहे हैं मैं आप सबके सामने बताऊंगा कि यह आरयूएचएस का लेटर है जिसके अंदर 9 बेड वैकेंसी लिखकर और मरीजों को वापस लौटाया जा रहा है। और इसी तरीके से आज पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है, तो जिस तरीके से बस के अंदर लिखा हुआ है कि यात्री खुद की रिस्क के ऊपर यात्रा करें, आज राजस्थान की जनता इस कगार के ऊपर आके खड़ी हो चुकी है कि सरकार की तरफ से उसको कोई सहायता नहीं है। जो कुछ भी प्रयास कर रही है, अप्रोच के बावजूद भी बेड नहीं है, तो सामान्य आदमी को बेड मिलना मुश्किल है, सामान्य आदमी का इलाज हो पाना मुश्किल है। जिस तरीके से हालात पूरे प्रदेश के अंदर विकृत दिनों हम सबको देखने को मिले, बीकानेर के चिकित्सालय के अंदर कोविड पेशेंट की बाथरूम के नजदीक डेथ, उसके साफ संभाल करने के लिए कोई नहीं पहुंचा, कोई कर्मचारी नहीं गया। जैसलमेर के अंदर भी टॉयलेट के पास के अंदर मृत कोरोना का पेशेंट पाया गया, उसकी सुरक्षा के लिए भी, उसकी सहायता के लिए भी, उसकी चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए भी कोई चिकित्सालय का कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। इस खबर पर सत्ताई देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।